Hello students, as in the last video we learn how to solve the linear equation of two variable with the substitution method. Take care. Now the second method to solve the linear equation of two variable or pair of linear equation of two variable is elimination method. Elimination ka matlab hota hai remove karna. ठीक है, तो इस method में हम क्या करते हैं, किसी एक variable को दोनों equations में से remove कर देते हैं या eliminate कर देते हैं और एक वेरिएबल के फॉर्म में उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं. सिंगल वेरिएबल को हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जब उस वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाती है तो उसे फिर किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. अब ये सब करने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं. तो किसी भी वेरिएबल में से, किसी भी इक्वेशन में से किसी वेरिएबल को रिमूव करने के लिए हम उन दोनों इक्वेशन में पहले किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग सम नॉन ज़ीरो कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, तो जो दो इक्वेशन हमको दी हैं उन दो इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल एक्स या वाई में से किसी एक वेरिएबल के दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है. इक्वल करने के लिए हम किसी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट वैल्यू से दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, ऐड करने पर ऐड कब करेंगे और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे ये हम डिटरमाइन करते हैं, ये हमको पता चलता है जो इक्वल कोफिशिएंट वेरिएबल है दोनों इक्वेशन में उनके साइन को देखकर. इफ़ द साइन ऑफ द इक्वल कोफिशिएंट वेरिएबल आर सेम, अगर दोनों इक्वेशन में जिन कोफिशिएंट को, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमने इक्वल किया है उस कोफिशिएंट का इक्वल कोफिशिएंट के वेरिएबल का साइन क्या है, सेम है, यानी दोनों में प्लस है या दोनों में माइनस है, देन सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम अदर. तो किसी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस आ जाएगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस आ जाएगा. और सब्ट्रैक्ट कब, ऐड कब करेंगे, इफ़ द साइन ऑफ द इक्वल कोफिशिएंट वेरिएबल आर सेम, अगर दोनों इक्वेशन में इक्वल कोफिशिएंट वेरिएबल का साइन क्या है, सेम है, यानी दोनों में सॉरी क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, तो यानी अगर दोनों इक्वेशन में इक्वल कोफिशिएंट वेरिएबल का साइन डिफरेंट है, यानी एक में प्लस और एक में माइनस है, तब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, यानी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में ऐड करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं. फर्स्ट, मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सुटेबल कॉन्स्टेंट टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल एक्स और वाई इक्वल, या तो एक्स का या वाई का. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों इक्वेशंस को किसी सुटेबल कांस्टेंट नंबर से या वैल्यू से, जिससे कि दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए. देन सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर. उसके बाद एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं. कब ऐड करेंगे, कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था. जब दो इक्वल कोफिशिएंट वाले वेरिएबल का साइन सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन डिफरेंट होता है तो हम ऐड करते हैं. तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर, सो वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड, जिससे कि एक वेरिएबल कैंसिल हो जाता है, एक वेरिएबल रिमूव हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है. नाउ द सॉल्व द इक्वेशन सो ऑप्टेन टू गेटिंग द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग वेरिएबल. अब जो वेरिएबल बचा उसकी वैल्यू को ऑप्टेन करने के लिए हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. तो एक वेरिएबल की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी. अब जो वेरिएबल की वैल्यू मिली है उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको समझते हैं किसी एक एग्जांपल के थ्रू. तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है सिंपल सा. लेट अस कंसिडर टू लीनियर इक्वेशंस और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सच एज 4x + 6y = 7 एंड 2x + 5y = 3. ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है हमारी, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें एक्स का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ वाई का कोपी 6 है, यहाँ वाई का कोफिशिएंट 5 है. तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं. अब किसको इक्वल करना ईजी है, यहाँ 4 है तो इस 2 को 4 बनाना ईजी है, यानी इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा और इस वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा. ठीक है, जो हमारा पर्पस है. तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसमें मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2. इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 जा 4x. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू इक्वेशन 2 है हमारी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3. इस पूरी इक्वेशन को करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, यानी हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा. तो 2 जा 4 प्लस 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 2 3 जा
6, देन इट इज़ इक्वेशन 3। तो एक नई इक्वेशन बन के आ जाएगी जिसको हम कह सकते हैं इक्वेशन 3। अब हम देखते हैं कि जो पहली इक्वेशन हमको दी थी उसमें और इस थर्ड इक्वेशन में x का कोपिशेंट सेम है, दोनों के साइन हम देखेंगे। यहाँ पर इक्वल कोपिशेंट वाले जो टर्म्स हैं, ये वाले टर्म इक्वल कोपिशेंट है, दोनों के साइन सेम है, यानी इसका साइन भी प्लस है और इसका साइन भी प्लस है। तो जब साइन सेम होते हैं तो एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 1 से, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको पहले लिखते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको बाद में लिखते हैं। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 से, 6y = 7 इक्वेशन 1 है, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 3 को, 4x + 10y = 6। जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज करेंगे, इसका साइन प्लस है तो क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस साइन आएगा, इसका साइन प्लस है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस साइन, इसका साइन प्लस है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस साइन। अब हम देखते हैं दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्लस 4x है, ये माइनस 4x है, कैंसिल हो जाएगा इक्वल कोपिशेंट वाला टर्म, यहाँ आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करो -10y + 6y, तो ये हो जाएगा 4y, 10 में से 6 माइनस हुआ 4, साइन किसका है 10 बड़ा नंबर है 6 से और इसका साइन माइनस है, तो ये हो जाएगा -4y = 7 - 6 = 1, सो y = -1/4, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल y। तो हमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, सॉल्यूशन मिल गया। नाउ पुट द वैल्यू इन वन ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन, अब इनमें नहीं रखेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे दूसरे वेरिएबल x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 थी हमारी 4x + 6y = 7, तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू पुट करता हूँ तो इट इज़ इक्वल टू 4x + 6 × y, y = -1/4 = 7, ठीक है। 2 से कैंसिल कर लो, 2 3 = 6, 2 2 = 4, देन इट इज़ इक्वल टू 4x - + × - 3 1 = 3/2 = 7, सो 4x = 7 + 3/2, और अगर मैं LCM लेता हूँ 2 तो 7 2 = 14 + 3, देन इट इज़ इक्वल टू 17/2, देन 4x = 17/2, सो x = 17/4 2 = 8। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। तो सॉल्यूशन का मतलब यही है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। तो सॉल्यूशन इज़ x = 17/8 एंड y = -1/4। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट अस कंसीडर सम अनदर क्वेश्चन, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर x का कोपिशेंट 3 है, x का कोपिशेंट 2 है, y का कोपिशेंट 4 है, y का कोपिशेंट 2 है। तो यहाँ पर भी किसी एक वेरिएबल के कोपिशेंट को हम इक्वल कर सकते हैं, चाहे x का करो या y का करो। अगर मैं x का कोपिशेंट इक्वल करना चाहता हूँ तो हमको एक ऐसा मल्टीपल देखना है जिसको इस दोनों का कोपिशेंट इक्वल हो जाए। तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाएगा, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाएगा। तो इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर हम इसका कोपिशेंट इक्वल कर सकते हैं, या अगर मुझे y का कोपिशेंट इक्वल करना है तो वो ज़्यादा इजी है, एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका कोपिशेंट 4 है और इसका कोपिशेंट 2 है, 4 2 का मल्टीपल है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 = 4x - 4y = 2 2 = 4, दैट इज़ इट इज़ इक्वेशन 3, ठीक है। अब इक्वल कोफिशेंट अगर देखें तो यहाँ 4xy है और यहाँ भी 4y है, दोनों के साइन देखें तो इन दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है। जब साइन अपोजिट होते हैं तो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे तो पहले किसी भी इक्वेशन को लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3x + 4y, क्योंकि साइन चेंज नहीं होंगे, ये हो जाएगा 4x - 4y = 4। ऐड करते समय साइन चेंज नहीं होंगे, केवल सब्ट्रैक करते समय दूसरी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। तो ऐड करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे सेम कोपिशेंट के, ये हो जाएगा 7x = 10 + 4 = 14,
So x is equal to 14 upon 7, that it is equal to 2. तो हमको x की वैल्यू मिल गई. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन वन ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन. इन दोनों में से किसी एक में रख दें तो इक्वेशन 2 में रख लेते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 थी हमारी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2. यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर ली 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2. 2 टू जा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है. देन माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2. माइनस से माइनस कैंसिल, 2 वन जा 2, सो y इज इक्वल टू 1. सो द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन हमें मिल गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. अब एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका. लेट अस सॉल्व द इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 एंड 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर अगर हम देखें x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 9 है, तो 3 को 9 में चेंज करना ईजी है. अगर एक ही इक्वेशन को करें, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, इसको अगर मैं 2 से करूँगा तब ये 10 बनेगा, कॉमन फैक्टर है इनका. और इसको अगर मैं 5 से करूँगा तब ये 10 बनेगा. 10, 2 एंड 5 आर द कॉमन फैक्टर, आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 10, ठीक है. लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे केवल एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये चीज़ हम देखते हैं. तो पहली इक्वेशन को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3. तो इक्वेशन 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 3 जा 9x माइनस 35 जा 15y इज इक्वल टू 34 जा 12. दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है. अब इक्वल कोफिशिएंट देखो, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट इक्वल है दूसरी और पहली थर्ड इक्वेशन में. तो इन दोनों के साइन देखेंगे, साइन दोनों के सेम है. जब साइन सेम होते हैं इक्वल कोफिशिएंट के, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 3 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 से. तो पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 से कर रहे हैं 3 को, तो पहले 2 लिखेंगे. 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. फिर इक्वेशन 3, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, ठीक है. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके साइन चेंज होंगे. ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा. 9x प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 15 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 13y, ठीक है. ये हो जाएगा आपका माइनस 12 प्लस 7, तो 7 प्लस 5 12 होता है, देन इट इज़ इक्वल टू माइनस 5, ठीक है. सो y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13 इज द वैल्यू ऑफ y. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. अगर इसको इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूँ, तो इक्वेशन 1 थी मेरी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4. तो ये इक्वेशन 1 मैंने लिख दी. यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं, देन 3x माइनस 5 इंटू y इज माइनस 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4, ठीक है. देन इट इज़ इक्वल टू 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 5 जा 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4. देन इट कैन बी रिटर्न एज 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13, ठीक है. तो यहाँ पर हम LCM लेते हैं, तो LCM हो जाएगा आपका 13 4 जा 52, ठीक है, माइनस 25. सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 5 माइनस हुआ 7, देन 4 में से 2 माइनस हुआ 2, 27 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है. दिस इज 3x. सो x इज इक्वल टू 27 अपॉन 3 इंटू 13, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है. 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 9 जा 27, देन इट इज़ इक्वल टू 9 अपॉन 13. तो सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13. सो द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13. y इज इक्वल टू
माइनस 5/13। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस को दो मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये इजी मेथड है, इसलिए मैंने आपको बताई, ये आगे हमारे काम आएंगी जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशंस।